सी बेसिक इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए यहाँ डेटा टाइप्स के लिमिट्स क्या है वो देखते हैं कि हम इंटीजर वेरिएबल में मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे आप। अब एक यहाँ वेरिएबल लिया तो वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, इंटीजर टाइप वेरिएबल को 2 बाइट मेमोरी मिलती है, तो कोई कंपाइलर 4 बाइट भी देते हैं, कोई कंपाइलर 2 बाइट मेमोरी भी देते हैं। अच्छा अभी 2 बाइट है समझिए, 2 बाइट माने 16 बिट्स होंगे, तो इसके अंदर हम 10 स्टोर किए, 10 स्टोर करिए तो मेमोरी के अंदर 10 तो जाके डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है, 1010 ये तो बाइनरी है, ये 10 का बाइनरी है, तो 10 बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ऐसा स्टोर होता है। जब 10 ऐसा स्टोर हुआ तो ये किसी को मालूम नहीं है, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखिए ऊपर में जो सीरीज दिख रही है जिसके नीचे 1 है उनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो जिसके नीचे 1 है वो 2 ऐड करो तो 10 हो जाएगा। देखिए एक शॉर्टकट मेथड है। अच्छा ये में अब हम 10 दिए तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, अब ये हाँ ये a इज इक्वल 10 बोल के प्रिंट होगा, तो ये हम नहीं लिखे, a इज इक्वल 10। देखिए इसका आउटपुट क्या है, a इज इक्वल 10। तो अब ये बात है कि ये में 10 हम दिए तो ये में इंटीजर वेरिएबल जिसका 2 बाइट मेमोरी अलॉट हुआ जिसको, उसके अंदर मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करो। तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या प्रिंट होगा, ये स्पेसिफायर के प्लस में, तो 32767 ये वैल्यू है इंटीजर में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं वो ये वैल्यू है, तो इतना तक आप दे सकते हैं इंटीजर मैक्सिमम। तो आप एक शॉर्टकट भी देख लीजिए, यहाँ बताता हूँ मैं, ये 16 बिट है ना, 16 बिट में ये छोड़ दो साइन बिट, अब बचे कितना 15 बिट्स। अब तो 15 में भी 1 स्टोर करो, देखेंगे 15 में भी 1 स्टोर करके ये सीरीज के अंदर के पूरे एलिमेंट को ऐड कर दो यहां तक के, तो यही वैल्यू आएगा। देखिए तो यही वैल्यू आएगा, तो इसका 2 पावर 1 है, ये 2 पावर, ये 2 पावर 0 का वैल्यू है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 का है, यहां से लेके यहां तक पूरों के ऐड कर दीजिए, इसका ऐड मत करना, ये लास्ट वाले का 16 का है, ये 2 पावर 15, ये साइन बिट को चल जाता है, इसका वैल्यू ऐड यहां तक के पूरे ऐड करो। आप ऐसा भी ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट इसे प्रिंट करके देख लो तो आपको पता चल जाता, ये आ जाता। और एक शॉर्टकट मेथड है, तो देखिए ये तीनों को मिला के देखो एक बार, 7 है, ये तीनों को मिले ये एक ही क्या है 8 है, मतलब ये सबसे मिला, ये सब मिला के जितना होगा उसी एक ज्यादा होगा। अब इसका पोजीशन देखिए, इसका 16 बिट का कितना है 2 पावर 15 है, तो 2 पावर 15, अब ये पूरा ऐड करने के बाद भी इससे भी एक कमी आएगा, इसलिए आप ये बता सकते हैं 2 पावर 15 का निकाल के उसमें से -1 कर दो, ये पूरा का कैपेसिटी आ जाएगा। अच्छा ये कॉन्स्टेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्स्टेंट कैसा बनते हैं, कॉन्स्टेंट बोलो या मैक्रो बोलो, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। अब देखिए आप भी कुछ कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं, समझो सी इज इक्वल 90 दे दिया, बस सी को आप कहीं भी प्रिंट करो 90 प्रिंट हो जाता, वो कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा ये बना के छोड़ दिए हैं इनको, ऐसा एक वैल्यू दे के छोड़ दिए हैं। तो इंट मैक्स और इंट मिनिमम, मिनिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम इतना दे सकते हैं, तो मिनिमम तो इसकी वैल्यू जब प्रिंट करेंगे जो प्रिंट होगा वही उसका मिनिमम होगा, मिनिमम से मिनिमम इतना। इधर देखिए एक ज़्यादा है, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, ये तुमको तब पता चलेगा कि नेगेटिव वैल्यूज अंदर कैसा स्टोर होते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ कि नेगेटिव वैल्यूज कैसा स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो उससे आपको पता चल जाएगा एक ज़्यादा क्यों आया है। अब क्यार मैक्स और क्यार, ये कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे तो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, तो आपको एक डाउट आता होगा कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर इंटीजर क्यों स्टोर करेंगे। देखिए आप कैरेक्टर भी दे, ये कैरेक्टर वेरिएबल ch है तो इसके अंदर आप इंटीजर भी दे लीजिए ना, अब आप कैरेक्टर भी दे लीजिए तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जब कोई भी कैरेक्टर को सिंगल कोड में रखते हैं वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसके जगह में उसका ASCII वैल्यू है 65 वो ले लेगा, कैरेक्टर अंदर नंबर में बदल ही जाता है, उसके वजह से नंबर में ही बताते हैं। क्यार मैक्स देखिए 127, ये क्यों 127 का, तो कैरेक्टर वेरिएबल, ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है तो वो सिर्फ 1 बाइट मेमोरी मिलती है, उसे 1 बाइट में 8 बिट होंगे, 8 बिट्स में फिर 1 बिट को हटा देना है साइन बिट, वो हटा देंगे बचे कितने बिट 7 बिट, 7 बिट में आप कितना स्टोर कर सकते हैं 7 वन्स, मतलब ऐसे 7 को ऐड कर लो ये आ जाएगा 127। अच्छा अब ये देखते हैं इंटीजर में ही अनसाइंड इंटीजर एक रहता है, अनसाइंड ऐसा अनसाइंड इंट डिक्लेयर करेंगे तो इसमें क्या है ज्यादा डबल, इसका डबल स्टोर कर सकते हैं कैसा। अब देखिए
साइंड में क्या होता है, आप साइंड लिखो नहीं लिखो वो साइंड होगा, तो 16 बिट थे इसमें, ये साइन बिट हो जाएगा, इसमें कुछ डेटा नहीं स्टोर कर सकते हैं, बस 15 बिट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब अनसाइन दे देंगे तो इसमें नेगेटिव नहीं स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव ही कंप्लीटली इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी वैल्यू, जब इसका वैल्यू देखें कितना बड़ा वैल्यू इसमें, जब इसमें 1 होगा इतना बड़ा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा उसे, तो इसका डबल हो गया और एक ज़्यादा ही होगा देखिए ये, बट नेगेटिव। इसमें मिनिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, अनसाइंड जब दे देंगे तो 0 स्टोर कर सकते हैं। देख लीजिए ये सभी क्या है, मैक्रो बोलिए या कांस्टेंट बोलिए। थैंक यू।